स्टूडेंट्स आपको क्विकली अपडेट कर देना चाहता था, अभी 2021 एस्पिरेंट्स का 1:30 पे हम लोग पेपर अपलोड कर देंगे। आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप 2 से 5 बजे के बीच में पेपर लिख लीजिए, यदि आप लेट होते हैं 8 बजे तक सबमिट कर दीजिए और आप 8 बजे अपना स्कोर देख पाएंगे। अब आज मैं लाइव सेशन नहीं कर पा रहा, जैसे मैं रेगुलरली आप लोग के साथ लाइव सेशन करता था टेस्ट से पहले, आपको मोटिवेट करने के लिए, कुछ बेसिक रूल रिमाइंड करने के लिए। पर दिल्ली में केसेस घट रहे हैं, पॉजिटिविटी रेट घट रही है, होपफुली नेक्स्ट टेस्ट से पहले हम लोग लॉकडाउन से बाहर आ जाएंगे दिल्ली में। और नेक्स्ट टेस्ट जो आपका 30 मई को है, उसके ऊपर मैं टेस्ट से पहले आप लोग के साथ आके लाइव सेशन कर पाऊंगा। तो मैं क्विकली आपको वो रूल्स रिमाइंड कर देना चाहता था जो हर एक लाइव सेशन में मैं आपको बताता था। पहली चीज, मास्क लिख के, मास्क पहन के एग्जाम लिखना है, ठीक है? मास्क पहने बिना एग्जाम नहीं लिखना। आप चाहते हैं तो मैं भी आपको मास्क पहन के दिखा देता हूँ, जिससे इस बात का ध्यान रखे कि हम लोग को मास्क पहन के एग्जाम लिखना है। जब भी आपका एग्जाम होगा नीट का हिस्सा, आपको मास्क पहनना पड़ेगा, ये ऑलमोस्ट गारंटीड है। दूसरी चीज जिसका ध्यान रखना है, रन टू द एंड, आपको 180th क्वेश्चन तक पहुंचना है। यदि आप 180th क्वेश्चन तक नहीं पहुंच पाए तो आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपको बायो, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक का कोई भी क्वेश्चन 15 सेकंड में नहीं समझ आता, गोला मार के आगे बढ़िए। फिजिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन 25 सेकंड में नहीं समझ आता, गोला मार के आगे बढ़िए। 180th क्वेश्चन तक पहुंचिए और उसके बाद टाइम मिलेगा तो वापस आ जाइएगा जिन क्वेश्चन पे गोला मारा है, ठीक है? तीसरी चीज, टाइम डिस्ट्रीब्यूशन, बायो का क्वेश्चन OMR फिलिंग को लेके 50 मिनट में कंप्लीट करना है। केमिस्ट्री का बायो के 90 क्वेश्चन, बायो का पेपर 50 मिनट में फिनिश करना है OMR फिलिंग को लेके। केमिस्ट्री का पेपर 50 मिनट में फिर खत्म करना है OMR को लेके, OMR को फिल करके। और फिजिक्स का पेपर इंक्लूडिंग OMR फिलिंग 70 मिनट में फिनिश करना है, और 10 मिनट्स आपके जो पीछे क्वेश्चन छूट गए इन पे वापस आने के लिए रख लीजिएगा। पर इंपॉर्टेंट यह है कि आपको 180th क्वेश्चन पे पहुंचना है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ रन टू द एंड। आराम से नहीं करना है पेपर, किसी क्वेश्चन पे अटक नहीं जाना है, आप जल्दी जल्दी करिए और आगे बढ़े जाइए, रुकिए मत, ठीक है? फाइनली स्टूडेंट्स, आप लोग को पता है नीट का एग्जाम पेन पेपर OMR फॉर्मेट में होगा, तो आपको भी पेन पेपर OMR फॉर्मेट में तैयारी करनी है। पेन पेपर OMR फॉर्मेट में पेपर को अटेम्प्ट करना है, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके अभी दिखा रहा हूँ पेन पेपर OMR पे में कैसे कर सकते हैं neetprep.com के टेस्ट सीरीज में। तो मैंने शेयर स्क्रीन किया, आप यहाँ पे neetprep.com पे आ गए, और neetprep.com पे आएंगे तो कोर्स कंटेंट में जाइए, यहाँ पे टेस्ट में जाइए, neetprep टेस्ट सीरीज पे जाइए। पेन पेपर OMR फॉर्मेट में आप सिर्फ वेबसाइट से ही लिख सकते हैं, आपको neetprep ऐप के ऊपर PDF नहीं मिलेगा। तो ये neetprep टेस्ट सीरीज पे आ गए, ये वाला टेस्ट 1:30 पे लाइव होगा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है फुल टेस्ट 3। पर इससे पहले वाले टेस्ट को मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप पेन पेपर OMR में कर सकते हैं। आप अटेम्प्ट नाउ पे गए, नीले उस पे, ग्रीन उस पे, PDF डाउनलोड कर लेंगे। आप PDF का शायद आप प्रिंट ही निकाल पाएंगे क्योंकि बाहर लॉकडाउन लगा हुआ है ऑलमोस्ट सारी जगहों पे, तो PDF का प्रिंटआउट ले लीजिए और PDF डाउनलोड कर लीजिए, और PDF को अपने फोन में खोल लीजिए, ठीक है? देखिए यहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? पिछले वाले टेस्ट का बता रहा हूँ। उसके बाद आपके पास, मैं होप कर रहा हूँ आपने OMR शीट्स का प्रिंटआउट लिया हुआ होगा, ये OMR शीट है हमारी, है ना? आपने इसका प्रिंटआउट लिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, 3 घंटे, जैसे नीट का एग्जाम है, आपके पास पेपर का PDF है, आपके पास OMR है, कुछ रफ शीट ले लीजिए और 3 घंटे उसी फॉर्मेट में एग्जाम लिखिए जैसे नीट का एग्जाम लिखेंगे, ठीक है? और 3 घंटे के अंदर ये OMR शीट भर लीजिए 180 क्वेश्चंस। 3 घंटे OMR शीट भरने के बाद, 3 घंटे जब खत्म हो जाए, पेपर का टाइम खत्म हो जाए, तब यहाँ पे आइए, देखिए फिल OMR का ये जो येलो बटन दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे ये ऑप्शन सारे भर लीजिए, है ना? चलो मैं आपको कुछ फिल करके दिखा देता हूँ, इससे आपको एक क्लैरिटी आ जाए। ये 180 बबल्स यहाँ पे डाले हुए हैं, आपको उस चीज की आदत डलवाने की कोशिश की जा रही है कि आपका जो 3 घंटे का पेपर हो उसके अंदर OMR फिलिंग का भी आपका टाइम जाए, उस चीज की आदत जाए, क्योंकि OMR के 180 बबल भरने में आराम से 15 से 20 मिनट लग सकते हैं, ठीक है? चलो तो अब आप, मैंने सारे नहीं भरे, आप कैलकुलेट स्कोर पे क्लिक करेंगे और उसके बाद ये आपका स्कोर आ जाएगा, और यहाँ पे आप ड्यूअल आंसर्स पे सारे जाके देख सकते हैं।
आज का जो पेपर है यहाँ पे आपको मैसेज आ जाएगा, ये वाला जो स्क्रीन है आप 8 बजे के बाद जाके देख पाएंगे, ठीक है। जब आपको स्कोर वगैरह दिखाई देगा आप 8 बजे तक सबमिट कर सकते हैं और 8 बजे आपको अपना रैंक और स्कोर वगैरह पता चल जाएगा। तो फुली स्टूडेंट्स आप लोग को समझ में आ गया होगा, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। आप मुश्किल हालात में तैयारी कर रहे हैं पर इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें लगे रहना है, जो हुआ जो हो रहा है वो होता रहेगा, पर आपका एक सपना है डॉक्टर बनने का जिसके लिए आप बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हैं, और उस सपने को पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप रेगुलरली टेस्ट लिखें। लॉकडाउन लगा हुआ है पर हम इस चीज को पकड़े हुए हैं कि आपके टेस्ट किसी भी हालत में कॉम्प्रोमाइज ना हो। ये वाले स्केड्यूल टेस्ट है हमारे स्केड्यूल के हिसाब से, यदि आप ये वाले टेस्ट नहीं लिख रहे हैं तो आपके पास टारगेट सेटिंग और डीपीपी के ऑप्शन है, वहां पे भी जाके आप टेस्ट लिख सकते हैं, पर हमें रेगुलरली टेस्ट लिखते रहना है, नहीं तो हमारी आदत छूट जाएगी और फिर डिसअपॉइंटमेंट होने लगेगा, डिमोटिवेशन होने लगेगा। पर आप लोग लगे हुए हैं, यदि आप आज टेस्ट देने वाले हैं, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया, लगे रहिए बच्चों, और फिर आपसे शाम को मुलाकात होगी 8 बजे के बाद, जब टेस्ट खत्म हो जाएगा तब मैं आपके लिए एक वीडियो डालूंगा, ठीक है बच्चों।